हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक हो। तो यहाँ पर है मेरी BMX और आज गाइस BMX के पार्ट्स के ऊपर वीडियोस बनने वाला है कि मतलब मैं BMX में किस ब्रांड का पार्ट्स यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं डिटेलिंग में आप लोग को बताऊँगा। और मेरे को काफ़ी लोग के मैसेज आते थे कॉमेंट्स शॉर्ट वीडियो पर कि भाई आप BMX में कौन से पार्ट्स यूज़ करते हो उसके बारे में आप बताइए। तो गाइस आज फाइनली मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोग को। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बिना देरी करे गाइस चलते। तो ये है मेरी BMX और अभी मैं आप लोग को बैक व्हील से बताऊँगा पीछे से। ये गाइस ये है ओडिसी का हैजार्ड लाइट व्हील और ये जो स्पोक्स है ये भी ओडिसी के ही है। और ये जो हब है वो मेरिट का हब है। ब्रॉक रैपिड का टायर है जो कि अभी घस चुका है गाइस। और ये है टू पीस क्रैंक, ये फीड बाइकों का है टू पीस क्रैंक। और ये मेरिट का पैडल्स है, बहुत अच्छे पैडल्स है गाइस ये। और ये स्पॉकेट है ओडिसी के। और ये जो चैन है ये है मेरिट की चैन है गाइस, अच्छी चैन है। ये जो सीट है ये एनिमल के सीट है गाइस, इसको भी असेंबल किया था। ये लेदर का सीट कवर लगाया हूँ इस पर। और ये फ्रेम जो है ये है वी द पीपल का फ्रेम गाइस, ये फ्रेम मेरा बहुत लक्की फ्रेम है। इससे पहले जो मेरे पास बाइक थी गाइस वो थी मंगूस डायग्राम, 2014 में लिया था। उसके बाद में मैंने ये वाला फ्रेम लिया, ये पूरी बाइक लिया था कंप्लीट, जब इसकी कंडीशन बहुत लो थी। उसके बाद में पार्ट्स डाल डाल के आज इस पोजीशन पे है। और कलर भी करना है इसको, बहुत पुराना फ्रेम है और ये भी बहुत ओल्ड हो गया है। ये है स्टंट बाइक का स्टैम्प और इसमें जो बैरिंग लगी है वो है मेरिट की बैरिंग है, अभी जो रिसेंट में डाला था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है फॉक, ये जो फॉक है गाइस ये है एसिड फॉक है, ये बी एस डी का एसिड फॉक है। और ये टायर जो है के एच ईस के टायर है। ये स्टंट रिपर का अब है, बहुत पुराना वाला जो मेरे बाइक के साथ में था वही है गाइस ये। और ये व्हील भी वही है, सिर्फ इसमें मेरिट का स्पोक्स चेंज है। तो ये पूरा आप देख सकते हो। ये हैंडल, ये भी मेरिट का हैंडल है। और शैडो की ग्रिप है जो कि रिसेंट में मैंने डाला था। तो इतना ही कुछ है, काफ़ी लोग का मुझे मैसेज आता था कि बताइए। तो यही है गाइस मेरी बाइक, एकदम सिंपल। इससे पहले जो मेरी BMX थी वो थी मंगूस डायग्राम, तो उसको मैंने काफ़ी यूज़ किया था गाइस। उसके बाद में मैंने ये BMX लिया था। अभी टोटल कॉस्ट इसका हो चुका है 1,40,000। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है गाइस। इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में खर्चा करके मैंने ये बाइक को बनाया था और अभी तक मेरा साथ दे रही है। तो ये जो बाइक है गाइस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। 2016 से लेके 2014 तक मेरे को ये अभी तक मेरे साथ चल रही है बहुत अच्छे से। सिर्फ कुछ सालों में पार्ट्स चेंज करना पड़ता है जो कि बहुत दिक्कत होती है, जल्दी इसके कुछ भी पार्ट्स मिलते नहीं है गाइस। जो मेरी फर्स्ट BMX थी मंगूस मैंने 2014 में लिया था, वो भी बहुत अच्छी BMX थी। और बहुत लक्की हूँ मैं कि मुझे वो BMX एकदम न्यू में, ब्रांड न्यू शॉप से मिल गई थी 11,000 में। तो बहुत अच्छा मेरा उससे जर्नी रहा है मेरा वो BMX में। और उसके बाद में मैंने ये BMX लिया 2016 में, अभी तक मेरा साथ दे रही है। सिर्फ अलग अलग पार्ट्स जो है चेंज करना पड़ता है वक्त के साथ में। तो गाइस आज का यही था मेरा वीडियोस असेंबल को लेके बताना, पार्ट्स कौन से मैंने पार्ट्स डाला हूँ BMX में। आप लोग को कैसा लगा गाइस मेरे बाइक का पार्ट्स वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट, अलग अलग कंटेंट्स मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं किस कंटेंट पे, चैलेंज पे
वीडियोस बनाऊं, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियोस बने आएंगे। ऐसी आप लोग का प्यार और सपोर्ट बने रहना चाहिए गाइस, तो और भी कुछ अच्छा अच्छा हम वर्क करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।